देश में कोरोना महामारी की बढ़ती संख्याओं के मद्देनजर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग होटल, स्कूल, बारात घर और देश का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड केयर सेंटर बनाया गया, मगर कोविड केयर सेंटर से बदहाली और प्रताड़ना की अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आती रही। लगा कि एक महामारी ने इंसान को किस हाशिए पर ला खड़ा किया है। इन सेंटरों में कोविड के इलाज के नाम पर रह रहे मरीज सक्षम होने के बावजूद लापरवाह सरकारी मशीनरी पर ही निर्भर है। ऐसी ही तमाम कोविड 19 से बदहाली के तस्वीरों में इलाज कर रहे मरीजों की लाचारी की एक और तस्वीर दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर बुलंदशहर के कोविड 19 L2 अस्पताल से आई है, जहां इस अस्पताल में हाल ही में जिलाधिकारी ने दौरा किया था। इससे पहले कमिश्नर, नोडल अधिकारी के साथ न जाने कितने अधिकारी दौरा कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो बीते 15 सितंबर का है, जब इसी लेवल 2 अस्पताल में बुलंदशहर के DM रविंद्र कुमार दौरा करने पहुंचे। वीडियो में सख्त अपनी बच्ची को दूध न मिलने की बात कह रहा है, यहाँ तक कि वह कहता है कि वह मजबूरी में है, वरना यहाँ वह अपनी हैसियत के तौर पर 500 लीटर दूध रोजाना भिजवा दे। खाना की गुणवत्ता को खराब बताया जा रहा है। मरीजों को खाना पॉलीथीन में देने की बात पर जिलाधिकारी भी कहते हैं कि पॉलीथीन में खाना क्यों दिया जा रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें खुर्जा में बने इसी सूरजमल जटिया लेवल 2 हॉस्पिटल की। भाग क्यों रहे? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के पॉलीथीन बैन करने के बाद पॉलीथीन के इस्तेमाल पर जिलाधिकारी के दौरा करने पहुंचे तो पॉलीथीन के इस्तेमाल की बात सामने आई, मगर आप ही देखिए DM और तमाम अधिकारियों के दौरे के बाद उनके आदेश इन सभी के लिए ठेंगा है। इन कोविड-19 में अब भी मरीजों को पॉलीथीन में खाना परोसा जा रहा है। खाना बनाने वाले ने मास्क भी नहीं लगा रखा है, हाथ में ग्लव्स है। मास्क तो लगा ले करो भाई। इन तस्वीरों को आप देखिए, खुद से देखिए, सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन किसे परवाह। हालांकि डॉक्टरों के लिए उचित व्यवस्था है, उन्हें प्लास्टिक के प्लेटों में सर्व किया जा रहा है खाना। इन अस्पतालों में मरीजों के साथ बैन पॉलीथीन में खाना देकर उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रही है। खास बात है कि आपदा में आत्मनिर्भर बने इन रसोई में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भी उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। इन तस्वीरों को देखिए, इन्हीं पॉलीथीन में मरीजों के लिए खाना पैक होता है। कोविड 19 किचन के रसोईया पंडित राजेंद्र प्रसाद, क्या कर रहे हो आप? जो ऑर्डर होता है वो बनाते हैं। अच्छा, कोविड में खाना बना रहे हैं आप? हाँ जी। तो ये पॉलीथीन में क्यों पैक कर रहे हो खाना? भैया जी, जो ठेकेदार हमारे ला के दे रहे हैं उसे भी में तो देंगे हम। तो मरीजों को इतनी बुरी तरह खाना क्यों दे रहे हैं? इस बात को तो नहीं मैं जवाब दे सकता। डॉक्टरों को किस चीज़ में देते हो खाना? डिस्पोजल दिखाई तो ही नहीं। डॉक्टरों को प्लेट में देते हो और मरीजों को पॉलीथीन में? ये तो वो जाने और वो जाने। और क्या क्या आपको क्या आदेश मिला है? हमें जो मिलता है वही बनाते हैं खाने का। क्या आदेश मिला है कि जो मरीज है उनके लिए किस में खाना जाएगा और डॉक्टरों के लिए किस में? थर्माकोल प्लेट देते हैं साथ। अच्छा, और डॉक्टरों के लिए? तो वो प्लेट जा ही रही है प्लास्टिक वाली। हाँ जी, उनके लिए खाना अलग पैक होता है। उनके लिए खाना अलग पैक होता है, मरीजों के लिए अलग। हाँ जी। किचन में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर मोनू, कहाँ काम करते हैं? किचन में काम करता हूँ, लेवल 2 में। लेवल 2 में। तो ये खाना कैसे पैक होके जाता है? खाना तो सही पैक होता है। किस में जाता है? पिन्नी में पैक होता है, मरीजों के लिए पिन्नी में। अच्छा, डॉक्टरों के लिए उसमें थर्मो बेसी वाली प्लेट में, बढ़िया वाली प्लेट में। तो आज कितने मरीजों का खाना बन रहा है? आज मरीजों का बना है 15 का। तो और क्या मामला है यहाँ, कैसे खाना सही चल रहा है? हमारा पैसा नहीं मिल रहा है 3 तारीख से, और अब तक ना हम घर जा रहे हैं। अच्छा, ये ना 1 रुपया जेब में हमारे पे, ना खाने को, ना मतलब अपने ताई।
ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया? पे एक रुपया भी नहीं दिया। कब से नहीं दिया? क्या, क्या तीन तारीख से और अब तक आजकल हो रही है। क्या कह दिया आपने? पैसे मांगे तो क्या पैसा मांगते हैं तो कह देता है कल ले लेना। अच्छा। कोई हमारा काम पड़ता है, कोई हमारे हरी या बीमारी है, उसको भी पैसा नहीं मिलता। ठेकेदार आता नहीं है? ठेकेदार आता है एक दो दिन के, कह के चला जाता है।